सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी गाइस कोई भी यहाँ पर ऑडियो फाइल डिलीट हो गई थी, चाहे वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी ऑडियो फाइल आपके फ़ोन से डिलीट हो गई थी, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप गाइस उस ऑडियो फाइल को रिकवर कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बस मैं आपको दो स्टेप्स बताने वाला हूँ, आपको उन्हें फॉलो करना और आप भी अपने डिलीटेड ऑडियो फाइल्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। तो आइए गाइस जान लेते हैं कैसे आपको रिकवर करना है उन ऑडियो फाइल्स को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जान लेते हैं गाइस कैसे आपको अपनी डिलीटेड ऑडियो फाइल्स को रिकवर करना है। सबसे पहले गाइस मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा, देन सर्च करना है ऑडियो रिकवरी, ठीक है। जैसे आप ऑडियो रिकवरी सर्च करोगे, यहाँ पर आप क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। ये लोग आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई बार फेक ऐप इंस्टॉल हो जाती है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, ओपन करना है, देन यहाँ पे मैं क्या करना होगा, यहाँ पे मैं दो एल्गोरिथम देखने को मिलते हैं, रिकवरी मेथड 1 और रिकवरी मेथड 2। तो यहाँ पर अभी तो मैंने रिकवरी मेथड 1 ट्राई किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना होगा, रिकवरी मेथड इस पे जैसे आप करोगे, ठीक है, हमें क्या करना होगा, जैसे अगर आप इस ऐप को पहली बार ओपन करोगे, आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जो कि आपको यहाँ पर अलाउ करनी जरूरी है, ठीक है। जैसे आप उन्हें अलाउ कर दोगे, देन यहाँ पे आपको रिकवरी मेथड 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पहले आप 1 सेलेक्ट करके देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अभी जैसे 1 सेलेक्ट किया, देन मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो रिकवरिंग हो रही है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कर लिया, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं एक बार दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली दिखा सकूँ मेरी ऑडियो फाइल्स कैसे रिकवर हुई थी। यहाँ से गाइस मैंने इसे डायरेक्टली ओपन कर लिया। अब गाइस यहाँ पे देखिए, हमारे सामने ये पे जाएगा, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद गाइस, अब जैसे आपकी ऑडियो फाइल्स रिकवर हो जाएगी, उसे आप कैसे देखना बता देता हूँ। आपको नीचे व्यू रिकवर्ड ऑडियो मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इसे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपको गाइस सबसे ऊपर यहाँ पे ऑल रिकवर ऑडियो इस तरह से फोल्डर मिलेगा। इसका साइज़ आपको देखने को मिल रहा है, 10 GB का ये फोल्डर है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, आपकी सभी जितनी भी ऑडियो फाइल्स थी जो कि डिलीट हो गई थी, सारी ऑडियो फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से गाइस आप उन्हें रिकवर भी कर सकते हो। तो बस के साथ मैं आपको ये बताना था, अगर आपको अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।